नहरें चली, पावर पोल फसल, घरों में घुसा पानी, किसान आक्रोश में। जिले के जनपद पंचायत के अंतर्गत आदर्श ग्राम सरसौद गांव में गुरुवार की देर रात सरसौद में नहर ओवरफ्लो होने से पास में स्थित 6 घरों के आंगन में शुक्रवार के सुबह 4 बजे पानी भर गया, जबकि नहर किनारे मौजूद खेत भी लबालब हो गए। वहीं बरोदी गांव में भी 60 बीघा से अधिक फसल पानी से गल रही है। किसानों का कहना है कि नहरों की सफाई नहीं की गई, पानी छोड़ दिया गया, इसके कारण 60 बीघा से अधिक पानी भरने से किसानों की गेहूं और चने आदि की फसलों को नुकसान हो गया है। वहीं किसान राजबहादुर गुर्जर के तबेले में बंधे 2 मवेशियों की मौत हो गई। नावरी बांध की क्षतिग्रस्त नहरों का बिना मेंटेनेंस किए ही सिंचाई के लिए पानी छोड़ देने से आदर्श ग्राम सरसौद में दर्जनों किसानों की बोई गई फसलों और तबेलों में पानी घुस गया है। वहीं खेतों में पानी घुसने से किसानों की फसलों को नुकसान हो गया है। साथ ही ठंड से 2 भैंसों के बछड़ों की भी मौत यहाँ पर हो गई है। किसानों की सूचना के बाद भी नहर के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर हुई तबाही का जायजा लेने की जरूरत नहीं समझे, इसको लेकर किसानों में आक्रोश बना हुआ है। भाई आपका नाम क्या है? उमा। उमा जी आप ये बताइए जी, आपके घरों के अंदर पानी भरा है, ये कैसे भरा है? जी रात में भर गया। कैसे भरा है जी? रात में हम तो सो लगे थे, सुबह लगे सवेरे उठे हम 4 बजे, उस भैंसन की बेड़ा में खूब भरा, वैसे बकरी में पूरा भर गया, भैंसा डूबी। अच्छा आप जी बताइए तो जो पानी आप कहाँ से आया जी? पानी जी रात में छूट गया। कहाँ से आया? रात में जी नहर को। अच्छा नहर टूट गई है? हाँ नहर टूट गई। अच्छा आप ये बताइए तो फिर आपने इस संबंध में शिकायत नहीं की? करी थी। चलो ठीक। भाई साहब आपका नाम क्या है? कमल सिंह। कमल सिंह ये गांव कौन सा है? सरसौद। अच्छा आप ये बताइए जो नहर फूटी है रात को, तो क्या है इसकी वजह, क्यों फूटी है, क्या है? देखभाली कम है ना, इसमें ना कोई देखभाली कर रहा है ना गौर कर रहा है, ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। आप जब ये नहर फूटती है तो आपने अधिकारियों से बात नहीं की? एक बार जी अभी बोलान फेंडरी भी है। अच्छा आप ये बताइए नहर का पानी जो फूट रहा है तो वो कहाँ कहाँ गया है? पूरे बेड़ों में 5-6 बेड़े हैं, उसे पूरे साइड मकानों में चारों तरफ पानी भरा है, पशु भी पूरे पैर से डूबे हुए हैं, घास कूड़ा खत्म है, कोई घास कूड़ा भी बचा भी नहीं है उनके लिए चरने के लिए। तो अब आप ये बताइए आपने जो शिकायत की है तो SDO का क्या कहना रहता है? SDO से गौर ही नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं। चलो ठीक। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजबहादुर है। अच्छा राजबहादुर जी ये गांव कौन सा है? सरसौद। अच्छा ये बताइए जो आपके जो खलिहानों में जो पानी भर गया है जो किस वजह से भरा है, थोड़ा इसके बारे में? नहर फूटने की वजह से भरा है, उलचाई नहीं की ये नहर की, पानी इसलिए भर रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, 2 मवेशी मर चुके हैं मेरे ठंड के मारे, ढोर परेशान हो रहे हैं, मकान भी भर गए पानी से, तो ये भी भर गया, बसमोस है ये सब भर गया। अच्छा आप ये बताइए कि जब नहर का पानी आपके खलिहानों के अंदर आया तो आपको कब पता लगा? मुझे तो सुबह 4 बजे पता पड़ा जब पानी बहुत अंदर तक निकल गया। तो फिर आपने खलिहानों में बंदे मवेशियों को देखा तो क्या देखा? मैंने ये देखा कि क्या कहते मवेशियों के अंदर पानी भरा है, मेरा घास भीग गया है, 2 बच्चे खत्म हो चुके। किस चीज़ के बच्चे खत्म हो? भैंस के। आपने इस संबंध में अधिकारियों से बात की? नहर जो 2 बार शिकायत की कि मतलब साहब ये पानी को बंद करिएगा, हमारे मवेशी ठंडे आते हैं, हम परेशान होते हैं। अब उनका कहना क्या है? ये सुनते नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत फिर फोरमेंट ही कर जाते हैं, 2 ट्रॉली मट्टी डाल गए, 1 ट्रॉली उस साइड, इस साइड को, बस यार हम भग गए।